नोनी पंचायत, जिसे निर्मल पंचायत का दर्जा भी प्राप्त है, यहाँ स्थापित पीएचसी 4 वर्षों से पंचायत घर में चल रही है। पीएचसी के पास अपना कोई भवन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ तक कि पीएचसी के पास अपना फर्नीचर और जरूरी सामान तक उपलब्ध नहीं है, जिस कारण यहाँ सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। साथ में इलाज करवाने आए रोगियों को भी असुविधाएं होती हैं। इसलिए नोनी पंचायत के प्रधान मदन हिमाचली ने एसडीएम सोलन अजय यादव को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रख पीएचसी की स्थिति सुधारने का आग्रह किया। अधिक जानकारी देते हुए प्रधान मदन हिमाचली ने बताया कि राजगढ़ से लेकर नौणी तक कोई पीएचसी नहीं है। नौणी में जो पीएचसी है वे पंचायत घर में चल रही है। यहाँ तक कि इस पीएचसी में कोई रोगी कल्याण समिति का गठन तक नहीं किया गया है। इस समिति के न होने की वजह से पीएचसी में कुछ भी खरीदारी नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि पीएचसी के पास अपना फर्नीचर तक नहीं है। पंचायत के आश्रय पर पीएचसी चल रही है, इसलिए उन्होंने ज्ञापन सौंपकर एसडीएम सोलन से रोगी कल्याण समिति गठन करने का आग्रह किया है। 2017 में निर्मल ग्राम पंचायत में पीएचसी स्थापित की गई थी स्पेशल केस में, क्योंकि राजगढ़ और सोलन के बीच में कोई पीएचसी नहीं है जो रोगियों के लिए सेवाएं प्रदान कर सके। तो स्पेशल केस में 2016-17 के सत्र में ये पीएचसी हमें मिली थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, और तब से लेकर आज तक ये पंचायत भवन में चली है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें अभी तक रोगी कल्याण समिति का गठन नहीं हुआ है। इसके बारे में हमने माननीय मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, सीएम सोलन को भी ज्ञापन दिया है, और आज मैं विशेषकर एसडीएम साहब को भी ये ज्ञापन देने गया था और उनसे अनुरोध किया कि अतिशीघ्र जो हमारी रोगी कल्याण समिति है निर्मल ग्राम पंचायत नौणी मझगांव की, जो पीएससी है, उसमें अतिशीघ्र गठित की जाए। हो सकता है कि कोरोना काल के कारण ये लेट हुई होगी या क्या इसमें भावना रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि आज तक रोगी कल्याण समिति गठित नहीं हुई है। रोगी कल्याण समिति के गठन होने से कुर्सी मेज और विशेष जो वस्तुएं हैं वो खरीदी जा सकती हैं, और अभी तक पंचायत के सामान पर हमारी पीएससी चली है, जबकि अभी तक इसे भवन भी उपलब्ध हो जाना चाहिए था। लेकिन इस लेट लतीफी के कारण मुझे दुख है कि अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। तो हम अनुरोध कर रहे हैं, मैंने अभी रोगी कल्याण समिति जो है वो एसडीएम के अधिकार क्षेत्र का भी विषय है, तो ये मैंने एसडीएम साहब से भी अनुरोध किया है कि अतिशीघ्र आप इसमें हस्तक्षेप करें और आर केस कमेटी का गठन किया जाए।